भारतीय नौसेना की क्षमता लगातार बढ़ रही है। कलवरी श्रेणी की पांचवी पंचडूबी वागीर नौसेना के युद्धक बेड़े में हुई शामिल। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस ने फिर से सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगकर देश की सेना को अपमानित करने का काम किया है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस अवसर पर बालिकाओं को अधिकार दिए जाने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग कर रहा है विशेष तैयारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि महाराणा प्रताप की जीवनी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। जदयू कार्यकर्ताओं को महाराणा प्रताप पर किताब छपवाकर घर घर बांटने की अपील की। प्रदेश में उर्दू, अरबी और फारसी विषयों पर होगा विशेष ईटी। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने नियमावली बनाने के दिए निर्देश। पटना पुलिस ट्विटर पर देगी जाम की सूचना। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि ट्विटर पर प्रत्येक 3 घंटे के अंतराल पर जाम की सूचना प्रकाशित होगी। बीपीएससी की 68वीं प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को होगी। 35 जिलों में 805 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। औरंगाबाद में सीआरपीएफ और पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मदनपुर वन क्षेत्र में हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद। पश्चिमी चंपारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भगवती नगर में सेवानिवृत्त बैंक कर्मी के घर से 18 लाख रुपए की चोरी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। भारतीय टीम क्लीन स्वीप में उतरेगी।